अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फन टीवी और मैं आपका होस्ट अब्दुल जब्बार। आज हम एक सियासी और सामाजिक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। और अरे तू कहाँ से आ गया, तुझे बोला था वलीदाद खान को लाना है। यार मैं गया था वलीदाद खान के पास, तो वलीदाद अभी वो पुराना वलीदाद नहीं रहा जो आधी रात तक हमारे साथ होटलों पे बैठ के कट पीता था। आजकल जब से वो MLA बना है लिफ्ट ही नहीं दे रहा है। मैंने उसको बोला है हमारे इस YouTube के लिए आओ, इंटरव्यू दो, आपको फेमस करो, तो कहता है नहीं भाई मेरे को 50,000 दो। अब बताओ ए वलीदाद, पुराना वलीदाद यार हमारा लंगोटी यार होता था, अभी इसको 50,000 देंगे तो भागा ले। तुम एक काम करो मेरे को 500 दो, मैं तेरा इंटरव्यू देता हूँ, बात खत्म। तेरे को कौन सुनेगा, मैंने वलीदाद का बोला था, अपने चैनल कोई नहीं देखेगा भाई। अरे यार अभी चैनल तेरा वैसे भी शुरू में है ना, ऐसे छोटे मोटे लोगों की इंटरव्यू लिया कर, आगे चल के अल्लाह मालिक है तेरा चैनल फेमस हो जाएगा। तो वलीदाद क्या, फिर तो हमजा खान भी आएगा। तेरे को समझ तो आता है ना, अभी तू बेफिक्र हो जा, पहले भी एक्टर था याद नहीं उधर, अभी स्टेज परफॉर्मेंस करते थे। चलो मोहम्मद अली के साथ भी मेरे बड़े वीडियो बने हुए, विठल गचल के साथ बंदे। देखो ये देखो ये देखो, मैं सियासी और सामाजिक लग रहा हूँ, लग रहा हूँ तुम सवाल जवाब करो। अभी यार तू सवाल जवाब करो, इधर आ। चलो कैमरामैन एक मिनट रोक, एक मिनट हम थोड़ा इसको सेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, पहले सेट करते हैं। एक मिनट आप बंद कर दो। बंद है पापा, बंद करे तू हर ब्रू टेन से स्टार्ट किधर किया उसको। भाई थोड़ा हमदा तो बढ़ा, ऐसे कैसे वो भी लोग देखेंगे, कोई चैनल भी नहीं देखेगा हमारा। देखेगा तुम शुरू करो। मैं फेमस पर्सनैलिटी हूँ, घबराओ नहीं, तुम इंटरव्यू शुरू करो, इधर खड़ी हो जाओ ना ऐसे, तुम भी कच्चा एक्टर है, तेरे को ट्यूशन देना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा तू मेरे साथ। अच्छा शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम आदरीन, आप देख रहे हैं फन टीवी और मैं आपका होस्ट अब्दुल जब्बार एजे खान। अब हमारे साथ एक मशहूर ही सियासी सामाजिक शख्सियत हैं, हम इससे मुल्की हालात के बारे में, जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में इंटरव्यू करते हैं। आइए देखते हैं इसके क्या तासरात हैं और क्या ख्याल हैं मुल्क के। ये जो PDM है और वहाँ से PTI का जो ये चल रहा है तकरार, इस्तीफे असम्बलियों से छोड़ना, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी? ये पॉलिसी है, ये पहले ऐसे होता था जब हम छोटे होते थे, हम भी ऐसी पॉलिसियाँ खाते थे। हमारी जब रेडी होती थी घिटी में, सामने गुलाम रसूल की भी रेडी होती थी, फिर हम क्या करते थे, हमारा जब देखते थे कि यार हमारा गिराकी नहीं हो रहा है, हम तीसरे बंदे को बीच में लाते थे, वो अपना रेढ़ा बीच में लाता था, उनका झगड़ा होता था वो हट जाते थे, हमारी रेडी चलती थी। ये भी ऐसे सेम टू सेम है। नेक्स्ट सवाल पूछो। असेंबली के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जो असेंबलियों के बारे में हो रहा है, रेडी ठेले तुम बाद में लगा देना। बात एक ही है ना, बात एक ही होता है, तुम लोगों को पता नहीं है ना, हम लोग पहले सियासत में था ना, हमको पता। चलो तुमने आप ये बताएं कि जो पहली हुकूमत थी और ये मौजूदा हुकूमत है, इसमें आपका वो ठेले वाला सिस्टम पहले बेहतर था या अब सही है? ठेले को तो छोड़ो, आजकल तो हम खुद ठेला बन गया है। महंगाई अरूज पे गई है, बिजली है नहीं, बिल इतना बड़ा बड़ा आता है। अब ये देखो हमारा तो बिजली भी नहीं है, इस्त्री भी नहीं किया, कोट को ऐसे पहन के आ गया, मजबूरी है ना, अभी किधर जाए, इतना महंगाई हो गया है। यकीन करो कल तो एक बंदा अपने कुत्ते को फांसी दे रहा था, मैंने कहा यार महंगाई में बंदे खुद को फांसी देते, कुत्ते को क्यों फांसी दे रहा है? बोले यार अभी मैं खुद पल नहीं सकता हूँ, अपने बच्चे नहीं पाल सकता हूँ, कुत्ते को किधर पालूं। उसने कुत्ते को फांसी दे रहा था, फिर मैंने कुत्ते को जाके किसी यतीम कुत्ता खाना में जमा करा दिया। इतना मैंने एहसान किया है, इतना महंगाई है, मतलब इतना महंगाई है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि किसकी हुकूमत आए, कौन ऐसा हुक्मरान है जो हमें इस महंगाई से निकालेगा? बाबा देखो हुक्मरान कोई भी हमको महंगाई से निकालेगा नहीं, हमको महंगाई में फेंकेगा, ठीक है। हम तो यही चाहेगा, आप भी यही चाहोगे, हर बंदा यही चाहता है कि हमारा कोई रिश्तेदार, कोई माइटर, कोई मित्र माइटर आए, कोई MLA बने। मित्र माइटर से पता है क्या फायदा होता है? बड़ा फायदा है ना। क्या फायदा होता है? हाँ मैं किधर करूँ ना, हमारे पास मित्र माइटर से ये फायदा होता है, उसको जा कर रहे थे अरे होशु हमारे बंदे को उधर नौकर लगा दो, उसको नौकरी कर दो, मास्टर का नौकरी फ्री, स्कूल का नौकरी फ्री, चपरासी का नौकरी फ्री, बड़ा फायदा है, तेरे को पता नहीं है। ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो आवाम है, जो दूसरे हैं, तो उनको ऐसे छोड़ दें वो भूखा रहे, यानी कि भाई चार बात सुनू, पढ़ाई लिखाई का तो दौर है ही नहीं ना। हाँ ये तुमने इतना पढ़ाई लिखाई किया है, MNA किया, AP नहीं पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लिया, क्या किया, कोई फायदा हुआ तेरे को? ये देखो 50 रुपए वाला कार्ड लड़का आया है, ये देखो पुराना मैके लेकर, कोई फायदा है नहीं है ना।
पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, दुआ करो कि तुम्हारा माइटर जो है ना वो MNA बने, उसमें तेरे को फायदा है, वो तेरे को नौकरी तो देगा ना। हटे फिक्र, हाँ नेक्स्ट सवाल पूछो। चलो अपना होगा तो नौकरी देगा, दूसरा नहीं होगा तो क्वालिफिकेशन जो बोलते हो क्या उसका दौर नहीं है। इस टाइम जो इलेक्शन होगा, हाँ इलेक्शन होगा, आपका अपना भी होगा दूसरा, तो आप किसको वोट देंगे? हम अपने रिश्तेदारों को देंगे, हालांकि नूर भाई, नूर भटारे जो कसम कुरान अपना मारू आपको पैसा देता है। हाँ पिछली इलेक्शन में मैंने 17,000 कमाया था कसम खुदा जी, मैं पुराने पटवटी सॉरी उर्दू में इंटरव्यू है ना, मैं अपने पुराने पटवटी पे मेरे 4-4 बंदे लेकर गया, उधर वोट उधर अंगूठा, 4-4 अंगूठा एक एक बंदे का लगाया, कसम से मैंने 17,000 कमाया। तू कितना पढ़ा लिखा है कि तू ऐसी बातें कर रहा है कि तूने इतने वोट लगाए, अंगूठे लगाए और नौकरी लगे, तो फिर नौकरी कैसे लेगा? तो मैं पढ़ा लिखा भाई ही नहीं, फिर भी हमको 3-3 नौकरी है, खबर है, सुबह में मैं जाता हूँ उधर मैं टीचर लगा हुआ, ठीक है ये पहला नौकरी है हमारा टीचर है। हाँ उसके बाद मैं दोपहर के बाद जब छुट्टी हो रहा है उसी स्कूल का मैं चपरासी भी हूँ कसम है, और तीसरा फिर नाइट में मेरा एक दूसरा ड्यूटी भी है जो हम बता नहीं सकता है, हम वनेरे के होता है जाता है उसको पॉलिश करता है कसम से, डेली हमको 500 रुपया भी देता है 3-3 नौकरी हमको हमारे वनेरे ने दिया है, तेरे को खबर है? तुम लोगों की वजह से फिर मुल्क तबाह हुआ है ना। छोबा क्यों तबाह है, जगह काम करता है ना, तो एक बंदा 3 नौकरियां करेगा तो बकाया जो अवाम है वो कहाँ जाएगी? वो भी ऐसे 3-3 नौकरियां करे ना, मैंने तो कहो ना भाजपा मानू क्या करते आ रहे हो, हमने तेरे को रोका है, चले आए सफा। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ ने सही किया जो लोग भर्ती किए हैं अदलिया में और इदारों में, जो उसने अपने इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे लगाए उसने सही लगाए। बाबा देखो बाल बुद्धू हमारे, देखो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, हमारा किसी के साथ कोई दास्त जाति कोई लेन देन भी नहीं है, जाति दुश्मनी भी नहीं है हमारा, ठीक है। बहरहाल जो भी आए अपने बंदों के साथ आए, क्योंकि बंदा है तो ताकत है, ताकत है तो वोट है, वोट है तो मुल्क है, मुल्क है तो हम है और हम है तो मुल्क है। तो इस टाइम जो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, लगता तो ऐसा है कि डिफॉल्ट हो गया, तो मुल्क हमारा अजीम है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट हम कर रहा है, मुल्क हमारा अजीम है, हम मुल्क के साथ भी डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, मुल्क हमारे साथ सच्चा है, मुल्क के साथ सच्चा है, डिफॉल्ट तो हम आपस में कर रहे हैं ना, नीयत का फेर है ना, तुम आएगा तुम अपने बंदे को नौकरी देगा, मेरा माइटर आएगा मुझे नौकरी देगा, ये तो हमारा ये फेर है ना। नहीं मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप वैसे हैं कहाँ से, मकामी कहाँ के? मकामी को तो छोड़ो, हम जिधर जाता है रेली डाल के सो जाता है, बादशाह खान करेगा क्या, न तू करेगा क्या रे, पूछ रहा हूँ तुम लोगों ने ये जो मिलके एक हुकूमत बनाई है, सब पार्टियों ने मिलके बनाई है, अपने ही सारे कजन चाचा मामा सब ठोक दिया उसमें, बनाएगी 22 अरब से 6 अरब बचाया, ये किसको खिलाया? ये हम खुद खाएंगे ना, ये हमारी जो लैंड क्रूजर जाती है इसमें पेट्रोल नहीं जाता है, पजा मारू हम जाते हैं उनका मसला हल करते हैं मुफ्त में। अच्छा पेट्रोल की बात की आपने, पेट्रोल इस टाइम आर्मी मंडी में 108 रुपए और आप लोग 215 चला रहे हो, ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये भी हमारे पास आएगा, किधर जाएगा, हमारी मेहनत तो है, हमने पेट्रोल पंप बनाया, तुमने झोपड़पट्टी में होटल बनाया, हर बंदे का अपना बिजनेस है, बड़ा बिजनेस करोगे तो बड़ा फायदा है, हमारे अपना पेट्रोल पंप है, हम तो बोलेगा पेट्रोल पंप का रेट बताओ, पेट्रोल का रेट बताओ, डीजल, हम तो बिजनेस मैंने बिजनेस करेगा वा। तो वलीदाद इसलिए नहीं आया, मुझे लगता है उसके पास भी पैसा हो गया है और उसने आपको भेजा। वलीदाद बड़ा पैसे वाला हो गया है, पहले वलीदाद तुम्हें बताया ना हमारे साथ बैठ के उतर गुलजार वाले होटल पे हम बैठ के चाय कट के, इसको तो इसी करो ना पब्लिक सुनेगा, गुलजार वाले होटल पे वही चाय पीता से उधार दिया तो असल बात ये है। देखो वलीदाद अभी माशाल्लाह सीनियर शख्सियत है और काफी सियासी और समाजी जो है ना उसने एक तहरीक चलाई है, हम वलीदाद खान के साथ है, हाँ हम बिल्कुल उसके अजम और पुरअजम के भी साथ है। उसका क्या कारनामा है कि आप उसके साथ हैं? ये डेवलपमेंट कौन करता है इलाके में? वलीदाद खान। कुंडे का बिजली हमको कौन दे रहा है? वलीदाद खान। हमारे गटर नालियों के जो वो मंसूबे होते हैं हमको फंड कौन देता है? वही देता है, फिर हम इसको नीचे का वही ठीका उठा के हम अभी ठेकेदार बहरहाल वलीदाद खान एक बहुत अच्छा अजीम लीडर है और मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ आप वलीदाद के उस पे निशान पे ऐसे ठपा लगाओ, वलीदाद का निशान है लोटा, ठीक है आप लोटे के ऊपर बोर लगाओ, हमारे लोटे भर जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका यहाँ आना, आप यहाँ आए। आदरीन ये थे हमारे मशहूर शख्सियत मिस्टर बबलू खान जिन्होंने इंटरव्यू किया, वलीदाद का पीए हूँ मैं, पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, एक मिनट मुझे बोलने दे, ये वलीदाद के पीए हैं
और इन्होंने जो अपना बताया हाल अहवाल, ये तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कितना मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया और कितना नुकसान। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।